हर कोई बस मेरी राइटिंग का मजाक उड़ाते रहता है। जिसका दिल चाहता है ना बस मेरा मजाक उड़ाता है। अम्मी ने तुम्हें किताबें पढ़ने को कहा है, किताबें सूंघने को नहीं। आपको भी ना मुझे पढ़ाने का कहा है, मेरा मजाक उड़ाने का नहीं। ओ भाई मैंने कब तुम्हारा मजाक उड़ाया, मैं तो तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ। मां जैसे मुझे तो कुछ याद रहता ही नहीं है ना, एक बात आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं भूलती हूँ। अच्छा, सिवाय अपने एजुकेशन की, है ना, तभी तो तुम्हें दिन रात डांट पड़ती रहती है मॉम से। ओ हेलो, अम्मी जी ने मुझे कोई पढ़ाई की वजह से नहीं डांटा। तो फिर इस घर में किसी को किसी भी बात पर गुस्सा होता है ना, टांग मुझ पर ही आकर टूटती है, सब मुझ पर ही गुस्सा निकालते हैं। अच्छा। हाँ तो फैमिली में सबसे छोटा होना भी ना बहुत खराब बात है, जिसको गुस्सा आता है ना अपनी झुंझलाट मुझ पर उतार देता है। और तो किसी को मेरी कोई कमी नजर आती नहीं है, सब पढ़ाई को इशू बना देते। मुझे एक बात बताओ, मॉम को किस बात पर गुस्सा है जो वो तुम पर उतारती है? अम्मी जी को। हाँ। ओ हेलो, एक सवाल पूछा है, बताओ तो सही। अब्बू जी का। अब्बू जी का? अब्बू जी का क्या मतलब, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं हूँ। हाँ तो एक दिन हो गया अम्मी जी ने अब्बू जी को देखा नहीं है, उन्हें मिस कर रही होंगी ना, उनकी एब्सेंस फील हो रही होगी। यानी के डैड की एब्सेंस फील करने की वजह से मॉम ने तुमको डांटा। हाँ ना, महबूब की जुदाई इंसान को सिर्फ चिड़चिड़ा नहीं बल्कि पागल भी बना सकती है। और वो पागल सिर्फ तुम ही बन सकती हो। मैं तो मर भी सकती हूँ। कोई है ना, है ना? देखो झूठ मत बोलना, बता दो बस। देखो तुम्हें उसकी कसम है ना, देखो मैं नाम नहीं पूछूंगा, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, है ना? हाँ, ओए, ऐसी लड़की